गैस का मतलब होता है हांफना, दिखाइए, खांसना नहीं हांफना, जैसे कुत्ता लोग जीभ निकाल के ये कहते हैं गैस करना, पैंट करना। एक बार राणा जी अपना पैंट पहन रहे थे, पैंट के अंदर समा गया था, घुस गया था क्या, एंट, और एंट जब पैंट में पहुंचा तो वहां पे कारनामा करना शुरू किया। अभी बेचारे पैंट भी पहन रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पैंट भी कर रहे हैं, पैंट 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 गैस गैस पे। अब एक बार हुड्डा जी ने इनको गैस पे बैठा दिए, इन्होंने कहा कि मैं दूध पानी चीनी चाय पत्ती पी चुका हूं, तो बोले गैस पे बैठ जा, चाय बन जाएगा। बेचारे गैस के नाम सुनते ही आजकल क्या करने लगते हैं, गैस करने लगते हैं। फिलिस्टीन का मतलब होता है क्रैश, क्रैश का मतलब जानते हैं, क्रैश का मतलब होता है अनएजुकेटेड अनसिविलाइज्ड, क्रैश कॉम्पिटिशन, जबरदस्ती कट थ्रो जो बोलते हैं कि कॉम्पिटिशन होता है, क्रैश कॉम्पिटिशन मतलब बेचारे गैस के नाम सुनते ही आजकल क्या करने लगते हैं, गैस करने लगते हैं। फिलिस्टीन का मतलब होता है क्रैश, क्रैश का मतलब जानते हैं, क्रैश का मतलब होता है अनएजुकेटेड अनसिविलाइज्ड, क्रैश कॉम्पिटिशन, जबरदस्ती कट थ्रो जो बोलते हैं कि कॉम्पिटिशन होता है, क्रैश कॉम्पिटिशन मतलब आगे बढ़ने के चक्कर में जितने भी अनैतिक चीजें होंगी हम सब अपनाएंगे, लेकिन हम तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्रैश कॉम्पिटिशन। सीआर हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऐश, और जो लोग होते हैं ऐश उन्हीं का व्यवहार होता है क्रैश, भद्दा अभद्र। और फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के रहने वाले जितने भी लोग हैं, फिलिस्तीन में रहने वाले लोग सब क्या है, सब फिलिस्तीन है, सब फिलिस्तीन है, अशिक्षित अनएजुकेटेड है, अनकल्चर अनसिविलाइज्ड है, मैलिएबल लचीला नरम अमेनेबल, मैलिएबल मैलिएबल मैलिएबल, हमारा माली बहुत एबल है, हर काम कर सकता है, उसके बाद भी उसके विचार में व्यवहार में क्या है, मैलिएबल मैलिएबल, वो बहुत ही मैलिएबल है, कोई भी काम है वो गार्डेनर लेकिन बहुत सारा काम कर सकता है। ऐसे एक व्यक्ति टेलीफोन बूथ में प्रवेश किया और कहा, मैडम मैं गार्डेनर हूँ, क्या आपको चाहिए, गार्डेनर कह सकता है, अरे नहीं 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 चाहिए, अरे मैडम मैं आपका कपड़ा वपड़ा भी साफ कर दूंगा, बोले नहीं 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 चाहिए, अरे आपके बच्चे उच्चे होंगे उसको भी स्कूल कॉलेज पहुँचा देंगे, बोले नहीं 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 हमें वो चाहिए ही नहीं गार्डेनर, बोले ऐसा करते हैं सब्जी उब्जी का भी लाना बाजार से लाना होना हो वो भी कर देंगे हम, और पैसे भी आधे ले लेंगे, सही कह रहे हैं पैसे भी आधे ले लेंगे। तो वो जो बोल रहा था तो एक टेलीफोन बूथ का जो मालिक था वो सब सुन रहा है, बोले इतना काम कर रहा है पैसा भी आधा ले रहा है, तो बोले भाई साहब जब फोन रखे पहुंचा, बोले भाई साहब इतना अच्छे काम करते हो आप, लुगाई का भी ख्याल रखना है, बच्चे का भी ख्याल रखना है, साग सब्जी किचन का भी ख्याल रखना है, घर में पोता पोचारा भी कर दोगे आप, व्हाइट वॉश भी कर दोगे, गार्डेनर भी हो आप, इतना काम कर रहे हो तो मेरा ही काम कर लो। नहीं साहब हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जहां पे फोन किया था वहां पे मैं ऑलरेडी मैं ही काम कर रहा हूं, मैं ये चेक करना चाह रहा था कि वाकई में मेरे काम में कोई कमी तो नहीं है, मैं अपने कमिटमेंट को चेक कर रहा था, मैं अपने काम के प्रति कितना कमिटेड हूं ये जानने के लिए। तो आज मैं बेहद खुश हूं, खुश होकर जा रहा हूं कि मैंने मैडम को इतना प्रलोभन दिया कि गार्डनर के अलावा मैं ये भी काम कर सकता, वो भी काम कर सकता, लेकिन उन्होंने किसी भी शर्त पे मुझे जॉब से हटाने के बारे में नहीं सोचा। इसका मतलब है कि हमारे काम में कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है। ऐसे भी आपको चेक करना पड़ेगा, अपने जीवन में भी कमिटमेंट होनी चाहिए। तो हमारा माली मैलिएबल भी है और अपने काम के प्रति कमिटेड भी है। इंपायस का मतलब होता है अधर्मी, प्रोफेन, इंपायस 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 इंपायस। अब देखो आई एम पायस, आई एम, जो लोग सबसे बड़ा पापी होगा ना वही मंदिर मस्जिद का चक्कर लगाएगा, जिसके अंदर खुद ही भगवान बैठा है, जो खुद ही साक्षात सत्य का रूप है, पुण्य का भरा हुआ वो पिटारा है, वो काहे मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, क्या जरूरत है। जिसको भूख लगती है वही किचन की तरफ जाएगा, जिसका पेट भरा हुआ वो कभी किचन की बात नहीं करेगा। तो जिसके मन में ज्यादा से ज्यादा पाप होगा ना, समझिए वही सबसे ज्यादा पुण्य की बात करेगा। मैं भी कभी सोचता हूँ कि वाकई में मेरे अंदर पुण्य है कि नहीं है, मैं पुण्यात्मा हूँ या पापात्मा हूँ, तो अक्सर मैं भी सोचता हूँ, तो मैं भी चेक करता हूँ अपने आप को, लेकिन मुझे कभी मंदिर मस्जिद की आवश्यकता हुई ही नहीं है। क्या क्या करेंगे मंदिर मस्जिद,
करता हूं अपने आप को, लेकिन बिल्कुल 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 आपने सही कहा कि मंदिर मस्जिद। अब देखिए हमें आवश्यकता नहीं हुई, इसका मतलब थोड़ी कि मैं आज की बात मैं जन्म से लेकर अब तक, धीरे धीरे इंसान का इवोल्यूशन होता है, धीरे धीरे आदमी अपने आप को बदलता है, सीखता है, मंदिर मस्जिद का चक्कर लगाता है, फिर जान देता है कि मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं को पवित्र करो हर जगह। क्या है आप देखो हमारी क्लास में बनाया, मैंने कहीं मंदिर बनाया कहीं, देखो किसी कोने में लगा दिया मंदिर, नहीं लगाया, अगर मेरे जगह कोई आप ही पीछे सही कहा, कहीं ना ऑफिस में मंदिर है ना कहीं कुछ है, हाँ अगर कोई बुद्ध का फोटो दे जाए, अगर कोई प्रतिमा दे जाए तो हमारे लिए बुद्ध इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए वो बच्चा जिस भाव से लाया है ना उस भाव को हम आदर करते हैं और उसके लिए मंदिर मंदिर बना, गलत बात है। लेकिन ऐसे मंदिर मंदिर तो जो ज्यादा ज्यादा मंदिर जाएगा ज्यादा भगवान की बात करेगा, समझ जाइए वो क्या है, इंपायस इंपायस जो बाबर कर आई एम पायस उससे बड़ा इंपायस कोई नहीं है, एक्सटेसी परम आनंद यूफोरिया, जब भी आप किसी की ऐसी तैसी करते हो ना परम आनंद आता है। और पता है आप जब झगड़ा होता है कहीं देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है अंदर से, क्योंकि आप अंदर से लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो लेकिन लड़ नहीं पाए, सामने देखा मजा आ रहा है, किसी की ऐसी तैसी हो रही है खुद तो कर नहीं पाए, तो हो ही रही है तो उसी में जीसा ले लिया जाए, हम बहुत ही परम आनंद की अनुभूति करते हैं, यूफोरिया यूफोरिया, तुम फोर के आ जाओ हम महसूस करेंगे यूफोरिया, एक्सटेसी एक्सटैटिक क्लाउड प्रभाव पावर और इन्फ्लुएंस, खासकर राजनीतिक पॉलिटिकल पावर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्या एक समय था कि कांग्रेस के पास क्या था, क्लाउड था, तो कांग्रेस का पूरा खानदान को तरह तरह का ए सुरक्षा बी सुरक्षा सी जेड वाई एक्स सब मिल रहा था, तो कांग्रेस के पास था क्लाउड, कांग्रेस के पास इतना क्लाउड था कि बाबा रामदेव को सलवार सूट पहना के कर दिया था दिल्ली से आउट, किसके वजह से क्लाउड, और आपके पास भी क्लाउड है तो आप जेल से कभी भी हो सकते हैं क्या आउट। क्लाउड का एक और अर्थ होता है हाथ से जोरदार तरीके से प्रहार करना, शनिपाजी का हाथ विधायक जी का हाथ जब लगता है तो लोग उठते नहीं उठ जाते हैं, इसे भी कहते हैं हम क्या क्लाउड, क्लाउड वर्ब भी है, इमैकुलेट स्पॉटलेस, हमारे मोदी जी का करियर क्या है स्पॉटलेस इमैकुलेट, ई मां आज मैं क्यों लेट हो गई, आज तक कभी कॉलेज जाते जाते लेट नहीं हुई थी, मेरा कॉलेज में जो मेरा रिकॉर्ड है बिल्कुल क्या है इमैकुलेट इमैकुलेट, लेकिन जब से इस मुन्ने से मोहब्बत हुई है तब से मेरा रिकॉर्ड इमैकुलेट नहीं रहा, किल जॉय आनंद में विघ्न डालने वाला, किल जॉय जो जॉय को किल कर दे, जैसे कहते हैं कबाब में बहुत सारे बच्चे होंगे जो मां बाप के जीवन में किल जॉय बने होंगे, जैसे मम्मी पापा अपना मी टाइम ढूंढते होंगे वैसे मैं ये रोना शुरू करते होंगे, देखिए सही कहा आपने, तो देखिए यह है किल जॉय आनंद में विघ्न डालने वाला, जाइब का मतलब उपहास करना मजाक उड़ाना, जाइब एक मुन्नी मुन्ना से मिलने के लिए बड़ी मुश्किल से पहुंचती है, मुन्नी कहती है सब छे छुपते छुपाते तुमसे मिलने मंदिर के बहाने में आई और तुमने एक पल में भी कह दिया जाइब मतलब जा जाइब, बोले मैं नहीं जाऊंगी अभी कम से कम 4-5 घंटा साथ रहूंगी बात करूंगी मुलाकात करूंगी फिर जाऊंगी, अभी गई तो ये मेरे प्यार का क्या होगा, उपहास मजाक बिल्कुल होता है अंग्रेजी में एक शब्द के, अब देखते हैं कि आदमी एक ही थोड़ी होता है, आदमी देखिए कितने आदमी बैठे हैं लोग कितने बैठे हैं, उसी प्रकार एक अर्थ में कई हो जाते हैं, स्नियर बिल्कुल स्नियर भी है जियर भी है मॉक भी है, तो जाइब का मतलब क्या होगा जाइब ये पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी पॉलीग्लॉट, पॉली मतलब होता है मैनी ग्लॉट मतलब बोलना, जो बहुत तरह की भाषाओं को बोले ले समझ जाए, उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान हुआ तो लिंग्विस्ट बन जाएगा भाषाविद हो गया वो, ये बहुत भाषा बोलने वाला है पॉलीग्लॉट, अभी देखिए मैं बताता हूं मुन्नी भी पॉलीग्लॉट है, आप बताइए अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, मुन्नी करिए मैं देखा मुन्नी तो एक मनुष्य की भाषा बोलती ही है बकरी की भी भाषा बोल रही है, यानी हमारी मुन्नी पॉलीग्लॉट बकरा हलाल होता है सिर्फ पोजर का मतलब होता है दिखावा करने वाला पोजर बहुत अच्छा हवा रहा है नहीं ठंडा ठंडा हवा चल जाएगा बात हो गई है आजकल मैंने जो मैंने हमें पता ही नहीं था कि हमारे ब्लॉक में ही हमारे मैं फिफ्थ फ्लोर पे रहता हूँ वो सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो वो टीपीडीएल टाटा पावर जो भी है उसके जनरल मैनेजर हैं कल सीधी अभी आज मैं कहीं बैठा हुआ था तो मैंने बोला कैसे दिक्कत आ रही है तो आपके ब्लॉक में रहते हैं कॉल कीजिए उनको तो बात हो गया सारी चीज़ वगैरह मैंने सब भेज दिया तो मुझे 2:30 बजे मिला था 2:30 बजे डायरेक्टर से मीटिंग है 2:30 बजे बात मैं बताता हूँ देखिए क्या है नहीं तो मैंने कॉल ही नहीं किया अभी मुझे बात हो गई तो ही जाएगा तो मुझे पहले मालूम होता तो मैं डायरेक्ट उनको बोल देता तो हो जाता मुझे लगता है जरूरत नहीं है देखा आप जी सारा
कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसी थाने एक आदमी से मुलाकात हो गई, जब भी दिक्कत आएगी तो फिर अब कितना भी कटेगा कोई दिक्कत नहीं है। आला पूजा का मतलब दिखावा करने वाला, पूजा पूजर जो हर दिन नई पोज में आ जाए, हर वक्त नए पोज में बात करे, समझ जाइए सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा पूजर है, सबसे बड़ा। और जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं क्या होते हैं, पूजर होते हैं। बिहार पहुंचेंगे तो का हाल बा, और जब जब पहुंचेंगे कोलकाता तो आमी तुम आके, बहुत ही सुंदर। ऐसे पॉलिटिशियन क्या होते हैं, पूजर। पूजर पोस्टेरिटी का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी मतलब हो गया नेक्स्ट जनरेशन, हम लोग का जो आने वाला जनरेशन होगा, बच्चा होगा, वो क्या कहलाएगा, पोस्टेरिटी। उसे प्रोजेनी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोजेनी। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, प्रोजेनी प्रोजेनी प्रोजेनी। अब आने वाला जनरेशन जो हमारा आपका जनरेशन होगा, वो बाबा रामदेव को, रामदेव को, रामपाल को, आसाराम को, राम रहीम को पोस्टर के जरिए ही जान पाएगा, क्योंकि तब तक वो निकल चुके होंगे, जा चुके होंगे, नई यात्रा शुरू होगी कहीं और पे, धाम बसाएंगे वो। आने वाला जनरेशन, आने वाला पोस्टेरिटी पोस्टर के जरिए ही पहचान पाएगा। प्रैग्मेटिक बहुत ही प्यारा वर्ड है, जब भी मुझे मिला एक ही बार में याद हो गया। प्रैक्टिकल, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूं, ये बोले से अच्छा क्या बोल दूं, मैं प्रैग्मेटिक हूं। क्या हूं, प्रैग्मेटिक मतलब डाउन टू अर्थ, प्रैग्मेटिक प्रैग्मेटिक प्रैग्मेटिक। मैंने एक आदमी से पूछा कि भाई बता, तुम माटी से प्राग कैसे निकालोगे, प्राग कहां पाया जाता है, नीदरलैंड, अरे जो फूल वगैरह में जो होता है, मेरा बस चले ना, हर बैच को एक बार बैंकॉक से 7 दिन का दर्शन करवा के, हर चीज से मुक्त होकर आओगे और फिर पूरे जिंदगी भर पढ़ाई का प्रोग्राम ले चलेंगे, आपको भी ले चलेंगे। अरे इसी तो मैं पढ़ा रहा हूं आपकी से कि पढ़िए, कुछ बनिए, पैसा कमाइए और फिर जहां आपकी मर्जी है वहां घूमकर आइए, लेकिन ये सब तभी होगा जब पैसा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब, इसलिए कह रहा हूं कि जल्दी से इन केन प्रकार मेहनत करके पैसा कमाने का मशीन बनो कम से कम, ताकि जिंदगी, क्योंकि पैसा से जो जिंदगी देख पाओगे ना वैसे नहीं, इस संतोष करने वाली बात है। मजबूरी का महात्मा गांधी मजबूर है, चलो महात्मा गांधी का सिद्धांत फॉलो करेंगे, लेकिन मोदी जी को देखो, ये मैं भी नहीं समझता था, एक मेरा दोस्त था, वो हमेशा बोलता था मजबूरी का महात्मा गांधी, बाद में समझ आया मुझे मजबूरी का महात्मा गांधी का मतलब क्या है, कि आप मजबूर हो, आप कर नहीं सकते, ऐसा जीवन जी नहीं सकते, तो महात्मा गांधी तो आप धोती कुर्ता पहन के निकल गया। अगर आपके पास पैसे होंगे तो स्वाभाविक है कोई धोती पहन के नहीं निकलेगा सर, और धोती पहन रहा है, मकसद है कि भाई हम पब्लिक फिगर है, पब्लिक से मेरी इज्जत है, तो पब्लिक को पसंद है कि मैं जितना कम कपड़ा पहनूंगा, बोले क्या त्याग है भाई, कितना बड़ा त्याग है। इसलिए आप हमेशा बनिए प्रैग्मेटिक, और प्रेट का मतलब होता है टू टॉक लॉन्ग एंड आइडली, प्रेट प्रेट का मतलब होता है टू टॉक लॉन्ग एंड आइडली, प्रेट प्रेट प्रेट। आपने एक मूवी देखा होगा शोले, देखा कि नहीं देखा है, शोले में वो जो बसंती होती है वो रेट को लेके, रेट को लेके क्या करती है, परेड करती है, रेट को लेके परेड करती है, बक 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 बक, मैं रामगढ़ की 1.5 रुपया लूंगी और बेलापुर की 2.5 रुपया, जबकि जबकि रामगढ़ बहुत दूर है, बेलापुर नजदीक है, फिर भी मैं 2.5 रुपया ले रहा हूं, रामगढ़ 1.5 रुपया। कुछ पूछो क्यों, क्योंकि मैं रामगढ़ की रहने वाली हूं। ये बोल बोल के वो क्या कर रहा है, परेड परेड परेड। प्रिकेरियस का मतलब होता है हैजार्डस, प्रिकेरियस प्रिकेरियस प्रिकेरियस। प्री देने से पहले अगर आप केयर नहीं लेते हैं तो आपका करियर क्या हो सकता है, प्रिकेरियस 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 हैजार्डस हैजार्डस, हजार बार डसा है इसने मुझे, ये क्या है हैजार्डस, क्या ये हैजार्डस, नाग नहीं हो सकता है क्या, नागिन बना रहे हो, ऐसा क्या दिख रहा है इन्हें, प्रिकॉशस का मतलब बहुत प्यारा वर्ड है, प्रिकॉशस का मतलब होता है अहेर इन, अहेर इन मेंटल डेवलपमेंट, प्रिकॉशस प्रिकॉशस। प्री प्री मतलब होता पहले, कॉक मतलब होता पक जाना, जो पहले ही पक जाए, मतलब प्री मैच्योर, मतलब अच्छे सेंस में इस्तेमाल करते हैं इसे हम, जो बच्चा 5 साल का हो और उसके अंदर 25-30 साल का बुद्धि आ जाए, उसका मेंटल एज उसके फिजिकल एज से क्या हो, ज्यादा हो जाए, जैसे अभिमन्यु, कौटिल्य, गूगल बॉय, किसका पोता, सही कहा आपने, भानु प्रताप का बेटा। तो बच्चा क्या था, प्री कोशस था, प्री कोशस। एंड यह प्री डिकामेंट मतलब क्वेंड्री, उधेरपुर में हो, प्री डिकामेंट प्री डिकामेंट प्री डिकामेंट। प्री जब वो देकर आई और पता चला कि प्री में मैं फेल कर जाऊंगी, तब उसे लगा कि नाउ आई एम इन प्री डिकामेंट प्री डिकामेंट। प्री तो दी लेकिन प्री में उतने अच्छे नंबर बनेंगे नहीं, अब फेल ही होना है। और इस बार फेल हुआ कि पापा ने कहा है किसी और के साथ तुम्हारा मेल हो जाएगा। नाउ सी इज इन क्वेंड्री, सी इज इन अ क्वेंड्री, सी इज इन प्री डिकामेंट प्री डिकामेंट।
मेंट एंड प्रिन का मतलब होता है अपने आप को सजाना सवारना। प्रिन 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 मुन्नी मुन्ना से मिलने जा रही थी, अपने आप को प्रिन कर रही थी लेकिन प्रिन ढंग से नहीं कर पा रही थी। यहां पे एक ने बार बार आ रहा था, बगल में रीन साबुन था, रीन उठाइए और तब तक रीन का इस्तेमाल करते रहे जब तक यहां से एक ने गायब न हो जाओ। तो सजना है मुझे, सजना के लिए हम जब अपने आप को सजाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रिन करना, उसे प्रिंप करना हम कहते हैं। एंड प्रीमोनिशन मतलब होता है प्रीजेंटीमेंट, कुछ अशुभ होने वाला है तो उसे कहते हैं जो भी आभास जो पहले हो जाता है। प्रीमोनिशन प्रीमो प्रीमोनिशन 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 प्री में मोनी फेल कर जाएगी इसका मुझे क्या था? प्रीमोनिशन था। प्री में मोनी फेल कर जाएगी इसका मुझे प्रीमोनिशन था। प्रीजेंटीमेंट कैसे याद करेंगे? प्रीजेंटीमेंट मतलब वो कभी भी क्लास में प्रेजेंट हुई ही नहीं, कभी भी वो प्रेजेंट नहीं हुई तो निश्चित रूप से वो प्री में फेल कर जाएगी, इसका भी मुझे क्या था? प्रीजेंटीमेंट प्रीजेंटीमेंट प्रीजेंटीमेंट। गैस्प हाफ ना फिलिस्टीन क्रैश मैलिएबल इंपायस एक्सट्रेसी क्लाउट इमैक्युलेट किल ज्वाय आनंद में विज्ञान ने राम रहीम जाइब पॉलीग्लॉट ओ ये छूट गया था पॉन्डरस। पॉन्डरस में देखेंगे ओ यूएस ऑब्जेक्टिव बना देता है ना, और पॉन्डर का मतलब होता है, पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, थिंक ओवर, किसी चीज पे गहन चिंतन करना, पॉन्डर करना। और पॉन्ड का मतलब क्या होता है? तालाब। तो पॉन्ड के किनारे बैठ के मैं क्या कर रहा हूं? पॉन्डर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पॉन्डर कर रहा हूं। और पॉन्डरस मतलब जो सोच सोच के बोले, बोरिंग हो जाए उसे क्या कहेंगे? योर स्पीच वॉज पॉन्डरस, योर स्पीच वॉज पॉन्डरस। जैसे हमारे वाजपेयी जी बोलते थे, हर शब्दों के बीच में दो चार मिनट का फासला होता था। एक बार वो टमाटर खरीदने गए और टमाटर वाले से बात करते करते इतना वक्त लगा दिए कि चिल्ला रहे हैं, टमाटर मुझे क्यों नहीं दे रहा है, मुझे टमाटर क्यों नहीं दे रहा है। एक आदमी बोलता है, भाई साहब टमाटर वाला चला गया, प्याज वाला बैठा हुआ है, इतना वक्त लगाया आपने टमाटर के बारे में बात करने में। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनका बात विचार क्या हो जाएगा? पॉन्डरस पॉन्डरस पॉन्डरस। प्रीमोनिशन प्रेजेंटी 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 मेंट प्रिन प्रिंप प्रीडिकामेंट क्वेंड्री प्रीकोसस अहेड इन मेंटल डेवलपमेंट प्रिकेरियस हैजार्डस प्रेट प्रैग्मेटिक डाउन टू अर्थ पोस्टेरिटी पोजर दिखावा करने बहुत ही सुंदर। वो पेज तो मिल गई होगी आप लोगों को? नहीं, कैसे नहीं, पेज मिल गया है ना? आप ओपन कर देखो है क्या करना? ये सारे ऐप में डल गया था, देखा होगा कि टेंस कितने हो गए। टेंस दो ही होते हैं लेकिन ऐसे भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टेंस हमारे पास कितने हैं। टेंस हमारे पास तीन हुए, नाम की बात हम करें तो, नाम की बात करें तो हम टेंस हमारे पास तीन, ओनली फॉर द सेक ऑफ नेम्स कि नाम तो एग्जाम में
बनाते हैं, तो टेंस दो कैसे हो गया भाई, सीन तीन कैसे हो जाएगा? लेकिन फिर भी कुछ लोग टाइम को ध्यान में रखे हैं, टेंस को नाम देने लगे हैं, तो फिर हमारा काम ना रुक जाए। इसलिए ये ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में अगर पूछ दिया गया कि बताओ ये कौन सा टेंस है विल सेल वाला, तो उसको सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे और आगे क्या लगा देंगे, फ्यूचर। तो ये सिंपल है, हम सिर्फ अभी आपको सिंपल के बारे में बताएंगे, सिंपल के बारे में सिर्फ आपको जानकारी दी जाएगी, बाकी सब आपको पीडीएफ में दिया हुआ है। जो सिंपल है वही सिंपल पास हो जाएगा, वही सिंपल फ्यूचर होगा। कैसे होगा तो दिखाते हैं आपको, देखिए एक स्ट्रक्चर को समझिए आप। जैसे सिंपल प्रेजेंट होगा तो सब्जेक्ट होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, राइट, यही होगा। और सिंपल पास हो जाएगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यह बात कुछ और है कि वर्ब कभी विद एस ईएस, कभी विदाउट एस और ईएस। अब देखो, अब ये जो हमारा है ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका ही जब हमें फ्यूचर फॉर्म बनाना होगा, फ्यूचर फॉर्म, हालांकि ये मॉडल्स है, कोई भी मॉडल्स आ सकता है इसके बीच में, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब। सिर्फ विल सेल ही क्यों आ सकता है यहां पे? यहां पे तो मे माइट भी आ सकता है, कैन कुड भी आ सकता है, तो सिर्फ मॉडल्स वहां कोई भी आ सकता है। लेकिन हां, विल सेल से हम फ्यूचर टाइम को बताते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि विल सेल से हमेशा फ्यूचर टाइम का ही बोध होगा। विल सेल से हम प्रेजेंट टाइम का भी तो बोध करवा सकते हैं, होगा कि नहीं होगा? विल सेल से प्रेजेंट टाइम का बोध हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। जैसे राम विल गो, ये कौन सा टाइम है? राम विल गो, टाइम क्या है इसमें? फ्यूचर। मेरे बोलने के बाद जाएगा या मेरे बोलने के पहले या मेरे बोलने के वक्त? तो एक्टिविटी आफ्टर द टाइम ऑफ स्पीकिंग मीन्स फ्यूचर टाइम। अब यही मैं विल लगाता हूं और ऐसा कहता हूं, राम विल बी इन ट्रबल, राम विल बी इन ट्रबल, सो हरी अप, सो हरी अप, राम विल बी इन ट्रबल, राम आपका दोस्त, मैं करो राम, राम विल बी इन ट्रबल, सो हरी अप, हरी अप। अब राम विल बी इन ट्रबल, विल लगा हुआ, बता दो टाइम क्या है? टाइम प्रेजेंट हो गया ना, क्योंकि सेंस तो यही कह रहा है, सेंस से ही टाइम समझते हैं ना। तो सेंस क्या कह रहा है कि राम अभी समस्या में होगा, तो जल्दी करो, अभी होगा तो जल्दी करो। यानी विल लगने के बावजूद भी टाइम क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। तो सिर्फ विल सेल से ही हम टाइम को नहीं हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्यूचर टाइम को, बल्कि विल सेल से हम प्रेजेंट टाइम को व्यक्त कर सकते हैं। कैन से भी प्रेजेंट टाइम का बोध हो सकता है, कैन से फ्यूचर टाइम का भी हो सकता है। यू कैन बी एन इंस्पेक्टर समडे, यू कैन बी एन इंस्पेक्टर समडे, तो कौन सा टाइम हो गया? फ्यूचर टाइम हुआ कि नहीं हुआ? तो मॉडल के बजाय हम यहां पे फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं, दो ही मॉडल इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टेंस में, क्या लगाते हैं? विल या फिर शैल। विल या शैल यहां पे आ गया। अब जहां भी होगा ना, सिंपल प्रेजेंट में विल शैल लगा दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में विल शैल लगा दो, प्रेजेंट परफेक्ट में विल शैल लगा दो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल शैल लगा दो, टेंस बनके तैयार। ये मॉडल बनाता नहीं है सेंटेंस, बल्कि बने बनाए सेंटेंस में एंट्री मारता है और मुख्य क्रिया के मूड और मीनिंग को अपने मीनिंग के मुताबिक चेंज कर देता है। अब बताइए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस हो गए ना। अब इन चारों में हमें क्या इस्तेमाल करना है, क्या लगा देना है? विल शैल लगाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट में विल शैल लगाएंगे तो कौन सा टेंस बन जाएगा? सिंपल फ्यूचर। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में विल शैल लगाएंगे तो कौन सा टेंस बन जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। और अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में लगा दिया विल शैल तो कौन सा टेंस बन गया? फ्यूचर परफेक्ट। और हमने अगर विल शैल लगा दिया फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो क्या बन जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। तो आप बताइए, चार एस्पेक्ट है, एक तो मैंने विल शैल लगा के दिखा दिया, चारों के बाद बताइए किस में आपको लगता है कि मास्टर जी इसमें लगा के दिखा दो, विल शैल फ्यूचर परफेक्ट, मतलब फ्यूचर परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में, कौन से बताए? सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, किसका एग्जांपल चाहिए जिसमें विल शैल लगा देता है? आपको समझ में नहीं आ रहा इसमें कैसे विल शैल आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में लगा दे, ये देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फिर क्या जाएगा? हैज या हैव आएगा, यही आएगा, और उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं है? और क्या ऐड हो जाए कि ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाए? विल शैल, तो लगा दो विल या फिर शैल, विल या शैल। और जब विल शैल आ जाएगा तो हैज कभी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा बेस फॉर्म आता है, बेयर इन्फिनिटिव आता है विदाउट एस आर।
एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि नहीं है? क्या लगाओगे कि हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? विल शायद, तो लगा दीजिए विल शैल, विल शैल लग गया, तो विल शैल के बाद इज एम आर प्लस वर्ब आई एन जी आ गया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विल शैल जब आएगा तो इज एम आर अपने बेस फॉर्म में आ जाएगा, जैसे हैज हैव बेस फॉर्म में हैव आ गया, यानी इसको हटा के इसकी मम्मी का नाम बी, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आई एन जी। तो ये कुछ नया कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सब जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट सिंपल है, सब में क्या लगाते जाओ? विल शैल। आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर बताया, और भी कोई स्ट्रक्चर चाहिए आपको बताइए? परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ, लड़का है लड़की? आइए देखिएगा, अब यहां पे देखिएगा, ध्यान समझिएगा, इसमें कई 25-26 स्ट्रक्चर्स हैं, ये पूरे पूरे मैं समझाता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सिंपल प्रेजेंट है वही हो जाएगा क्या? सिंपल पास्ट। जहां पे इज एम आर है सिंपल पास्ट, वहां पे पास्ट में क्या हो जाएगा? वर्ज वर्ज। जहां वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है पास्ट में क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म। जहां पे हैज है वहां पास्ट में क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। इससे आसान क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है, बहुत आसान है। सब्जेक्ट आ गया, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वीपी का मतलब हो गया प्राइमरी वर्ब। क्या हो गया? प्राइमरी वर्ब। मेन वर्ब को हम प्राइमरी वर्ब के रूप में जानते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, सही है बिल्कुल, मैं इवनिंग में क्रिकेट खेलता हूं। अब इसका हमने क्या बना दिया? इसी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पर ध्यान बिल्कुल मत देना, अभी ध्यान देना सब्जेक्ट और वर्ब में। और अगर थोड़ा सा और मैं इसको कटिंग इट शॉर्ट करूं तो आप सिर्फ वर्ग के फॉर्म पर ध्यान देना, वर्ग के फॉर्म पे। तो यहां पर वर्ग का फर्स्ट फॉर्म क्या बन गया? सिंपल प्रेजेंट। दूसरा स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट में ही क्या करते हैं, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है ना, सिंपल प्रेजेंट में ही हम यहां पे डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। सब आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसे घबराइएगा मत, अभी ध्यान से सुनिएगा। आप बोलेगा तो मैं फोटो कॉपी करवा के भी दे सकता हूं, बहुत अच्छी बात है। मत कीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? यस, जब मेन वर्ब को इंफेसाइज करना हो। देखो मीनिंग बताते जा रहा हूं, इसलिए पूरा ध्यान देना, लिखने में समय मत लगाना। डू डज के जरिए हम मेन वर्ब को क्या करते हैं? हम इंफेसाइज करेंगे मेन वर्ब को। जैसे हमें यह कहना हो, मैंने इनसे कहा कि क्या आप उन्हें जानते हैं? आपने कहा हां सर मैं जानता हूं। सच्ची जानते हैं या नहीं जानते हैं? जानता हूं सर, ऐसे कैसे बोल रहे हो, रोज मिलता हूं। बोले मुझे तो मुझे उम्मीद कम है कि आप उसको जानते हैं। तो ये क्या कहेंगे? सर ऐसा मत सोचो, आई डू नो हर, आई डू नो हर। जब डू आ गया इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं? ये नो को इंफेसाइज कर रहे हैं कि मैं जानता तो हूं। आप ऐसा पता नहीं क्यों बोल रहे हैं कि जानते हो, जानते हो, यस आई डू नो। क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हो? यस आई डू टीच इंग्लिश, आई डू टीच इंग्लिश। तो जब भी मेन वर्ब को इंफेसाइज करना हो तो हम डू डज का इस्तेमाल करेंगे। और यही चीज अगर पास्ट में हो जाए तो डिड का इस्तेमाल करेंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो था, मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो था, तो क्या कहेंगे? आई डिड टीच इंग्लिश, आई डिड। लेकिन ध्यान रखना, ये जो वर्ब आएगा ना, ये वर्ब, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा विदाउट एस और ईएस। जैसे आई डू लव माय पेरेंट्स, आप अगर सोचते हो कि मैं अपने माँ को प्यार नहीं करता हूं तो ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ये कंफ्यूजन में आप हैं। आई डू लव माय कंट्री, आई डू लव माय पेरेंट्स। तो जब भी मेन वर्ब को इंफेसाइज करना, सिंपल प्रेजेंट में डू डज का इस्तेमाल करना। अब डू डज का इस्तेमाल एक तो इंफेसाइज करने के लिए, जो डालने के लिए प्राइमरी वर्ब पे करते हैं, इसके अलावा निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट में क्या करते हैं? डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। डू या डज का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट में निगेटिव या इंटरोगेटिव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हमें किसी सेंटेंस को निगेटिव बनाना होता है, जब भी किसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना होता है, तो पहली दफा जरूरत होती है किसकी? ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब के जरिए ही तो वाक्य निगेटिव और इंटरोगेटिव बनता है। तो सिंपल प्रेजेंट में कोई ऑक्सिलियरी तो होता ही नहीं है, नहीं होता है। लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव बिना ऑक्सिलियरी के बन नहीं सकता, तो हमें डू का सपोर्ट लेना पड़ता है।
डू के जरिए फिर बनाते हैं, तो डू और डज के जरिए सेंटेंस को क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। जैसे ही डज नॉट लाइक बनाना, ही डज नॉट, शी डज नॉट, आई डू नॉट, नेगेटिव बन गया। और जब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव तो क्या करेंगे हम, डू डज शुरुआत में आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और एस आएगा। जैसे डज शी टेल अ लाई, डज शी, क्या वो झूठ बोलती है, क्या वो झूठ बोलती है, डज शी टेल अ, मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, नहीं 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 बोलती। और जब हम इंटरोगेटिव को निगेटिव बनाएंगे, एक तो हो गया निगेटिव, एक हो गया इंटरोगेटिव, और एक हो गया इंटरोगेटिव निगेटिव, तो काफी पेज है भाई, इतना खर्चा, खर्चा ही खर्चा, कैंसिल कैंसिल करो, कैंसिल कर दो। पीडीएफ तो मिल ही रहा है आपको, आगे भेजे 14 पेज है ना, तो एक पेज का 50 पैसा, 14 पेज का 7 रुपया, 7 रुपया में एक समोसा आ जाएगा। चलो करवा दो, बात करो, मतलब कम करने के चक्कर में कंटेंट कम ना हो जाए, बट रहा बोल दिया, बढ़ जाएगा। प्लीज आप 7 रुपया खर्च करके अगर आपको 7,000 करोड़ का इंसान बना दें तो इससे अच्छी बात क्या है इस, और ये संभावना है, ये संभावना है कि फोटोकॉपी होगा। अगर मैं फोटोकॉपी आपको नहीं दूंगा, बहुत कम संभावना है, क्या फोटोकॉपी करवाओ, आप प्रिंट आउट करवाओ, बहुत कम संभावना, देख लेंगे कर लेंगे, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। देखिए आपकी बातें, आपकी मुस्कुराहट, आपकी आवाज, तभी तक आदर नहीं लगेगा किसी को, तब तक किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा हो। तो अगर आप मुस्कुराने के लिए, अगर आप मुस्कुरा रहे हो, शोर शराबा कर रहे हो, हंसी मजाक, आउट ऑफ लव एंड लाफ्टर, अगर सब कुछ हो रहा है, आउट ऑफ एंजॉयमेंट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिस्टर्बेंस के मन से कर रहे हो तो फिर एक इशारा करने की देरी है, सारे बच्चे, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं बच्चों को इशारा करूं और फिर देख। आई देखिएगा, जब हम निगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे ना, निगेटिव इंटरोगेटिव, तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे हम, निगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डोंट या फिर डजंट का इस्तेमाल। एक तो हमारा पॉजिटिव हो गया, एक हमारा क्या बन गया, निगेटिव बन गया, एक तो इंफेटिक था, एक इंफेसाइज करने के लिए, एक निगेटिव, एक इंटरोगेटिव और फिर इंटरोगेटिव, ये सब का बनेगा, मतलब 12 प्रकार के हो जाएंगे ना, 4 × 3 12 प्रकार के हो गए, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 60, तो ये मिनिमम 60 प्रकार के सेंटेंस तो बनने ही बनने हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी हम आपके लिए लेके आए हैं। देखिए अब क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड भी, कोई भी क्वेश्चन वर्ड यहां पर लगा सकते हैं, क्वेश्चन लगेगा तो फिर क्या आ जाएगा, डू डज, और ये भी निगेटिव इंटरोगेटिव दोनों बन सकता है, ये अफर्मेटिव है, एक क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव है, और ये क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे लिखा हुआ है कि वेयर डू यू लिव इन इंडिया, ये इंटरोगेटिव है विद क्वेश्चन वर्ड, पॉजिटिव या निगेटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन जब निगेटिव बनाना हो तो क्या लिखेंगे, व्हाई डोंट यू लव मी, व्हाई डोंट यू लव मी, अब ये क्या हो गया, ये इंटरोगेटिव निगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड, डबल इंटरोगेटिव, सही कह रहे। अब देखियो, हु व्हाट विच, हु व्हाट विच प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीट वाला जो भी आ जाए, जैसे हु टीचेज यू इंग्लिश, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ये भी क्या है, सिंपल, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, हु टीचेज यू इंग्लिश, यहां पे व्हाट हर्ट्स यू, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, व्हाट बीट्स यू, व्हाट ईट्स यू, व्हाट डिस्टर्ब्स यू, ये सब क्या हो गया, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो तो समझ जाना कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट है। हम हु व्हाट विच में डू डज के साथ
नॉट लगा के जैसे पॉजिटिव बना वैसे क्या बन सकता है, जैसे हु डज नॉट नो यू, हु डज नॉट नो यू, तुमको कौन नहीं जानता, तो निगेटिव भी बन सकता है. वॉट डज नॉट मेक यू हैप्पी, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको खुश नहीं कर सकता. हु वॉट विच डू डज आ जाएगा, फिर एक सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट की स्ट्रक्चर है लेकिन अलग अलग कंडीशन में. जैसे वॉट डज शी लाइक, जैसे वॉट आ गया, डज आ गया, शी आ गया और लाइक. वॉट डज शी लाइक, जैसे बन गया हुम डू यू टीच इंग्लिश, हुम डू यू टीच इंग्लिश. तो ये सब तो डू डज के जरिए ही बनने वाले थे, राइट. अब बात करते हैं इज एम आर, इज एम आर वाले सेंटेंस भी क्या हो सकते हैं, इज एम आर वाले भी सेंटेंस भी बन सकते हैं सिंपल प्रेजेंट. अगर आप इस तरह से चिल्ला के शोर शराबा करके अगर सीख रहे हो तो मैं आपको वाकई में आप लोगों को आपके चरणों पे मैं अपना सर रखना पसंद करूंगा, क्योंकि एक तो अंग्रेजी है जो कई साल लगे सीखने में हमें, और वो भी आप ऐसे ऊ आ ऊ चा इन सारे शब्दों के बीच में अगर सीख रहे हो तो आप पुरुष नहीं हो. तो ये सब परमिशिबल है, में कोई दिक्कत नहीं है. 6 महीने साल भर का सफर है, पता नहीं आप कहां रहोगे, फिर मुलाकात होगी नहीं होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि बस आप सीख रहे हो, सब माफ है. सीख रहे हो 50 में 50, 200 में 200 लाने की काबिलियत रखते हो, मेहनत करते हो, तो फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है. मैं बर्दाश्त करता रहूंगा और कोई बच्चा बोलेगा भी तो उसको समझा के घर भेज दूंगा, बोले हमारे बच्चे तो ऐसे हैं भाई, क्या कर सकते हैं, अब ऐसे बच्चे भगवान दे दिए हैं तो फिर हम फिक्र नहीं सकते हैं हम. ये लगता है ना, ये किसी टाइम का ही दोष है, ये 4 बजे का बैच जब भी बनता है ऐसे ही बच्चे आते हैं. देखिए एक बार मैं भी क्या हुआ था प्रोटेस्ट में, देखा जब मैं यहाँ पे आया तो देखा कि कुछ बच्चे हेलीकॉप्टर बना के अपना नंबर लिख के उड़ाए जा रहे हैं. फिर कुछ मैंने इस बात को लेकर बात बुरा मानी, तो फिर मैंने उन्हें डांटा भी, लेकिन हर बार 4 बजे का बैच जब भी होता है ऐसे भी रंगीले बच्चे आ जाते हैं. क्या अच्छी बात है, जब आपके माँ बाप नहीं बदल पाए तो मैं ये 2 घंटे में क्या कर पाऊंगा. इसे तो मैं चेक कर रहा था, हिंदी भी मैंने करवाया था, तुम लोग है ना, मतलब जो हम एक बार अपडेट करवा देते हैं ना, पुराना को डिलीट करो, तुम लोग पुराना ही मुझे हमेशा चेते रहते हो. अभी मैंने लॉकडाउन में क्या किया था, पहले तो एग्जांपल नहीं था, तो मैंने सब एग्जांपल भी लिखा, और एग्जांपल के साथ साथ मैंने हिंदी भी उसका सारी एग्जांपल का हिंदी भी करवा दिया था. अब वही मैं ढूंढ रहा था, अब ढूंढा तो मुझे यही मिला, पुराना वाला मिला, और अभी थैंक गॉड कम से कम फोटो कॉपी होने से पहले ये हिंदी वाला मिल गया, क्योंकि बहुत बच्चों को अच्छे समझने में दिक्कत आती है, तो हिंदी होने से क्या होगा वो अर्थ को. चलिए इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं, ये सभी समझाने की जरूरत है. फोटो भी करो, इसको दिक्कत नहीं, और एक पेज 2 पेज कर दिया था. देखिए ये दिया गया था सेंटेंस आपको लिखकर, उसमें हमने जो मीनिंग था कि आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, मैं शाम को क्रिकेट और साथ में टाइपिंग में कुछ दिक्कत लगी, मैं 2-3 बार करवाया था. उसके बाद देखो आई डू लव माय पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से प्यार करता तो हूं. ही डज नॉट लाइक बनाना, जो उसे अकेले पसंद नहीं है. डज शी लाइक, क्या वो झूठ बोलती है. डोंट यू लिव विद योर पेरेंट्स, क्या आप अपने माता पिता के साथ नहीं रहते हैं. तो उम्मीद करता हूं कि हिंदी से आपको भी बहुत सारी क्लैरिटी आएगी. क्या डलवा दें, ऐप में डला हुआ है ना, अभी डलवाते हैं. एक बार तो क्या है ना कि अभी टेंस शुरू हो रही है, टेंस में जितने भी अपडेटेड जितने पीडीएफ है ना, जो अपडेटेड है मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, जितने भी अपडेट हमने किए पीडीएफ सारे पीडीएफ एक जगह बोलो, मुझे मेल करेगा वो, और उसको बोलना जो लेटेस्ट बैच है हमारा ऑनलाइन उस बैच से सारे पीडीएफ लेके हमें मेल करेगा. ये नहीं कि मैं क्लास करवा रहा हूं, पुराना ही पढ़ा दिया. अब देखिए यहां पे बदल गया क्या, अच्छा ये सही सही. अब देखेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अब तो और हिंदी मिल गया तो और अच्छा होगा आपको पढ़ने में समझने में, और उम्मीद है कि बहुत मन लगा के पढ़ेगा. ऐप में डल गया, चेंज करवा दिया, 2 मिनट चेंज हो जाएगा.
देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव ब्ला ब्ला ब्ला। अब देखिए इज एम आर, पहले हम क्या सोचते थे जब मैं भी अंग्रेजी सीखता था टेंथ में नाइन्थ में था, कि इज एम आर मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस टेंस। इज एम आर बोले तो कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन इज एम आर होने मात्र से कोई टेंस कंटिन्यूअस हो जाए ये जरूरी नहीं। जब तक इज एम आर के बाद वर्ब की आई एनजी फॉर्म नहीं आएगी हम उसे कंटिन्यूअस टेंस नहीं माने। तो इज एम आर के बाद क्या कंटिन्यूअस वर्ब आईएनजी है, तो ये कौन सा टेंस कहलाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा कलाम साहब, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव कुछ भी आ जाए। अब ये जो इज एम आर है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो इज एम आर है ये मेन वर्ब भी है और ऑक्सिलियरी वर्ब भी है। मेन वर्ब कैसे है, क्योंकि इसका कोई दूसरा मेन वर्ब, अगर ऑक्सिलियरी होता तो इसका कोई मेन वर्ब तो होता इधर, इसलिए यही मेन वर्ब के रोल में आया है। फिर कैसे ये ऑक्सिलियरी के रूप में इस्तेमाल हो जाता है, तो जब आप इसे निगेटिव बनाओगे, जब इसे क्या बनाओगे, निगेटिव बनाओगे, जैसे मैं आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर, निगेटिव बनाइए, आई एम नॉट योर फ्रेंड, तो वेरिफिकेशन बात हो गई थी मंजी से ना, हाँ तो बात कर लो, मुझे मेरा होना जरूरी वहां पे। बिजी वाले आए हुए हैं, मैं यू गया और यू आया, शांति बनाए रखिए प्लीज आप लोग।
देखिए बात हो गई है, अभी तो डिमांड नोट आएगा, अगले से तो आ जाएगा। मैंने बात कर ली थी, ठंडा मौसम करवा दिया है अभी फिलहाल। तो अब देखिए, जब भी हम इसको निगेटिव बनाएंगे, ध्यान से सुनना, जो भी इसको निगेटिव बनाएगा तो इसमें क्या करेगा, डू डज का सपोर्ट लेगा क्या? एक बच्चा कहता सर ऐसे बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट है ना, तो माय फादर इज अ डॉक्टर, निगेटिव क्या बनेगा इसका, माय फादर डज नॉट बी अ डॉक्टर। डज लगा दिया और इज का बेस फॉर्म क्या हो गया, बी हो गया। लेकिन नहीं, कहा गया इज एम आर जब ऑक्सिलियरी वर्ब है ही, तो हम इसी को ऑक्सिलियरी के रूप में मानकर निगेटिव इंटरोगेटिव बना सकते हैं। हम अलग से इज एम आर के साथ डू डज लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आई टीच, यहां पे टीच ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं है, इसलिए यहां पे आई डू नॉट टीच आएगा। लेकिन आई एम अ टीचर, यहां पे एम में एम एक ऐसा मेन वर्ब है जो ऑक्सिलियरी भी है और मेन वर्ब भी है, तो जब इसे ऑक्सिलियरी बनाना होगा तो इसी में नॉट लगा देंगे हम। आई एम नॉट अ टीचर या एम आई अ टीचर, निगेटिव इंटरोगेटिव दोनों बन रहा है, और किसके जरिए बन रहा है, इसी इज एम आर। तो चूंकि इसी का इस्तेमाल करके निगेटिव और इसी का इस्तेमाल करके इंटरोगेटिव बना लेते हैं, इसीलिए इसे हम ऑक्सिलियरी भी मानते हैं, और चूंकि इसका कोई दूसरा मेन वर्ब नहीं है इसीलिए हम इसे मेन वर्ब भी मानते हैं। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आ गया, माय फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर है। उसके बाद इज एम आर के साथ अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, इज एम आर के साथ क्या आ जाए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो आप समझ जाइए इज एम आर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आ जाए तो समझ जाइए कि ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन जब इसका निगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ही लगाएंगे आप इज में, एम में और आर में निगेटिव नॉट लगाएंगे, या फिर इसको सब्जेक्ट से आगे रखेंगे। लेकिन इसका अर्थ बदल जाएगा, इसका अर्थ क्या बदल जाएगा, सी इज टू कंसिडर डॉक्टर, मतलब वह चिकित्सक से संपर्क करने वाली है। जब भी इज एम आर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट टर्म आती है तो आप ये मान के जाएंगे कि ये हमेशा फ्यूचर टाइम को दिखाता, फ्यूचर टाइम को दिखाता है। फिर एक और इसमें वेरिएशन मिला मुझे कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आ गया, अबाउट टू आ गया, इज एम आर अबाउट टू आ गया, अबाउट टू आ गया, इसका मतलब है कि अब घटना घटने वाली जो फ्यूचर में रिमोट था अब थोड़ा इमीडिएट हो गया, अब थोड़ा पास हो गया। जैसे आई एम अबाउट टू कम, बस मैं आने ही वाला हूं। और इसी में अगर जस्ट लगा देते हैं तो अर्थ में और कुछ अंतर नहीं होता है। जैसे वह एक गाना गाने वाला है और वह गाना गाने को है, वह जाने जाने को है, वह आने आने को है, वह आने ही वाला है। तो अबाउट टू हो या जस्ट अबाउट टू हो, ग्रामेटिकली कोई डिफरेंस नहीं है, बस मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है कि समय इज एम आर टू में ज्यादा होता है, इज एम आर अबाउट टू में थोड़ा सा और कम हुआ, और इज एम आर जस्ट अबाउट टू में और कम हो गया, इमीडिएट हो गया। जैसे यहां पर लिखा हुआ है द बॉयज इज जस्ट अबाउट टू टॉक टू यू, मतलब लड़का आपसे बात करने ही वाला है। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद क्या जाए, वर्ब की, एक समय आया इज एम आर के बाद नाउन प्रोनाउन, एक समय आया इज एम आर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक समय आया इज एम आर के बाद टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी इज एम आर के बाद नाउन प्रोनाउन भी आ सकता है, इज एम आर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है, इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, और ये तीनों कंडीशन में ये सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा। सिंपल क्योंकि मैं बताऊंगा कि यहां पे इस कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट ही चाहिए, तो इसको देखकर फिर कंफ्यूज मत हो जाना कि ये सिंपल प्रेजेंट नहीं है। ये भी क्या है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट का ये एक्टिव फॉर्म नहीं बल्कि पैसिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म नहीं बल्कि, जैसे वी रेस्पेक्ट विमेन, वी रेस्पेक्ट विमेन, इसका पैसिव क्या बनेगा, विमेन आर रेस्पेक्टेड बाई अस, विमेन आर रेस्पेक्टेड बाई अस। Children are taught, क्या मतलब हुआ इसका, बच्चों को पढ़ाया जाता है। Mangoes are sold here, आम यहां बेचा जाता है। Students are beaten here,
विद्यार्थियों को यहां पीटा, तो जब भी ईजेएमआर का थर्ड फॉर्म आ जाए, ईजेएमआर के बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म आ जाए, याद करके जाना, बिल्कुल जान के जाना कि हमेशा ये पैसिव फॉर्म सिंपल प्रेजेंट का ही कहलाएगा। जैसे फुटबॉल इज प्लेड इन यूरोपियन कंट्रीज, मतलब यूरोपीय देशों में फुटबॉल खेला जाता है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार में अंग्रेजी बोली। तो ईजेएमआर के बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म आए, अर्थ कुछ ऐसा ही होगा। उसके बाद हैज हैव, देखते ही समझ जाते हैं परफेक्ट हैज हैव, तब तक परफेक्ट नहीं बनेगा। हैज हैव तब तक परफेक्ट नहीं बनेगा जब तक कि थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। यहां पे थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं है, यानी ये कौन सा टेंस है? ये है सिंपल प्रेजेंट। क्या दिक्कत आ गई बताइए आपको, कैसे सिंपल प्रेजेंट है ये? तो हैज हैव टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगा? ये सिंपल प्रेजेंट। और जब इसका निगेटिव बनाएंगे ना, तो दो प्रकार से बनेगा। यहां पे आई डोंट हैव टू गो देयर, आई डोंट हैव टू गो देयर, ऐसे भी बना सकते हैं, या आई हैव नॉट टू गो देयर, आई हैवन टू गो देयर, मुझे वहां नहीं जाना है या मुझे नहीं जाना पड़ता है, या फिर आई डोंट हैव टू गो देयर। डू डज का इस्तेमाल करना ये अमेरिकन इंग्लिश है, और हैव में नॉट लगा देना, हैज में नॉट लगा देना, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। हम बेहतर मानते हैं किसको? ब्रिटिश इंग्लिश को। तो हैज हैव के बाद अगर टू प्लस वर्ग की फर्स्ट टर्म आ जाए, कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट। कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा। जैसे आप देखिए लिखा हुआ है, यू हैव टू विन द मैच, क्या अर्थ आएगा? आपको मैच जीतना है। हैव टू कंपल्सन को भी दिखाता है, बाध्यता, मजबूरी है। अभी 7 बजे से मैच है, हमें 5 के 5 अगर जीतना है तो आज का मैच भी जीतना है। आपको मैच जीतना, यू हैव टू विन द मैच। हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम ऑर्डर्स का भी बोध करवाते हैं। ऑर्डर्स, शी हैज टू गो देयर, उसे वहां जाना है। और ये हैबिचुअल एक्शन के लिए भी आता है, मजबूरी में कोई काम आदतन कर रहे हो ना, मजबूरी में कोई काम आदतन अगर हो रही है तो क्या है ये भी हैव टू के जरिए ही आएगा। जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, आपको अंग्रेजी सीखना पड़ता है, मुझे रोज सुबह उठना पड़ता है, मुझे रोज खाना बनाना पड़ता है, मुझे रोज बर्तन साफ करना पड़ता है, तो ये क्या कहेंगे? ये सब सिंपल प्रेजेंट हैव टू के जरिए ही बनेगा, और ये मेरी बाध्यता बन जाएगी। क्या बन जाएगी? तो वैसे केस में भी कोई काम करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, सोना पड़ता है, बोलना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, इस तरह का भाव भी अगर इस्तेमाल करना हो तो आप हैव टू, हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हैज हैव के बाद अगर नाउन आ गया तो भी सिंपल प्रेजेंट। क्या आएगा? जैसे मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बीबी है, बच्चे हैं, आपके पास क्या है? माँ, माँ है। इतने साल गुजर गए, आज भी माँ 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 किए जा रहे हो। माँ से तो आगे निकलो भाई, भाभी है, मिस्टर गुप्ता हैज टू डॉटर्स, मिस्टर गुप्ता हैज मतलब श्री गुप्ता की दो बेटियां हैं। तो हैज हैव के बाद नाउन प्रोनाउन भी आ सकता है। हाँ, वो उनसे होने वाला तो कुछ है नहीं, उनको बेटा बेटी गोदी लेना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस लाइकली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो ये सारी बातें हैं ना, ये सारी बातें तो अगर हमें सिर्फ टेंस ही पढ़ाना होता तो पहला 5 स्ट्रक्चर है, वही बात खत्म हो गया। लेकिन ये जितनी बातें बताई जा रही है ना, आपके नॉलेज में एक प्रकार का समझिए थ्रस्ट लाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी लाने के लिए मैं इतने सारे स्ट्रक्चर लेकर आपके पास आया हूं। अब लाइकली टू है, अब इज आ गया, इज के बाद लाइकली आ गया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। और लाइकली मतलब क्या हो गया? संभावना दिखा रहा है। जैसे द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज लाइकली टू गो डाउन नेक्स्ट मंथ, मतलब क्या हो गया?
पेट्रोल की कीमत अगले महीना घटने की संभावना है। आई एम लाइकली टू बिकम एन इंस्पेक्टर, मेरी इंस्पेक्टर बनने की संभावना है। इट इज लाइकली टू रेन टूडे, इट इज लाइकली टू रेन टूडे, आज बारिश होने की। योर फादर इज लाइकली टू कम टूडे, आपके पापा के आज आने की संभावना है। हाय, यू आर लाइकली टू बी बिटन, पैसिव बनाना पड़ जाएगा क्योंकि वो पीटेगा थोड़ी, उसको पीटा जाएगा, पीटा जाएगा, कूटा जाएगा, तो यू आर लाइकली टू बी बिटन। ये भी सिंपल प्रेजेंट है। अब देखिए, देर से भी सिंपल प्रेजेंट के वक्त शुरू हुआ, देर के बाद अगर इजमार आ गया या देर के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म आ गया, ये बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट। जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल और देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, विच टेंस? सिंपल प्रेजेंट। देयर इज अ या द लाइकलीहुड ऑफ, पॉसिबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अरे ऐसा हो तो ये भी सिंपल प्रेजेंट आएगा। और लिखा देयर इज द लाइकलीहुड ऑफ फ्लड इन दिस एरिया, मतलब इस क्षेत्र में बाढ़ की संभावना है। इससे आपका राइटिंग स्किल और बेहतर होता चला जाएगा। देयर के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म, वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसओरी प्लस नाउन, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। देयर गो द बस, देखो बस जा रही है। अब देखो हम कर देयर गोज द बस, और हिंदी में क्या अर्थ आ रहा है? रहा रही, इजमार होना चाहिए, लेकिन नहीं, हिंदी में जो अर्थ है उसी के मुताबिक अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाए, ये जरूरी, क्योंकि हिंदी ग्रामर अलग, इंग्लिश ग्रामर अलग। तो कहा जाता है कि जब भी हम कोई आउट ऑफ एक्सप्लेनेशन, सहसा, स्ट्रांगली, सडनली जब मुंह से कोई सेंटेंस निकलता, देखो देखो जा रहा है वो, तो क्या कहेंगे हम ये नहीं कहेंगे कि ही इज गोइंग, ही इज गोइंग का मतलब क्या हो गया कि वो जा रहा है। जो घटना घट रही है उसको आप कह रहे हो, इसमें आपका कोई इमोशन नहीं है। अपना इमोशन अगर इसमें भरना है तो कह रहे देयर ही गोज, देखो जा रहा, कहेंगे जा रहा ही है, लेकिन इमोशन के साथ अगर घटना को व्यक्त करना हो तो हम बताएंगे आपको सिंपल प्रेजेंट में। हेयर और देयर से जब कोई एक्सक्लेमेटरी वर्क शुरू होता है, सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। हेयर कम्स द बस, तो बस आता है नहीं बल्कि बस आ रही है। 9 o'clock, मैं 11 बजे पढ़ाना शुरू करता हूं, सही है बिल्कुल। देयर प्लस इज प्लस नो हार्म, नो सेंस, नो पॉइंट प्लस इन प्लस वर्ब की ing form, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। देयर इज नो हार्म इन डूइंग इट, इस काम को करने गया। जहां पे हैव टू हैज टू था वहां पे क्या गया? हैड आ गया, मीनिंग तो लिखा हुआ है ही ना, उसे सवाल कर। जहां पे इज आर था वहां गया, सेकंड फॉर्म आ गया। जहां पे कीप था, केप्ट आ गया, गो था, वेंट आ गया, रिमेन था, रिमेंड आ गया। जहां पे कल लीजिएगा, होमी समय लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे हम लोग, और कल